मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आपको आँख के अल्सर रोग के कारण लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूँ। आँख के अल्सर का कारण बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण, हर्पीस लिम्फ्लिक्स वायरस, वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स, शिगला वायरस इन्फेक्शन, दरिंदा, आँख का आघात, गंभीर ड्राई सिंड्रोम, शुष्क आँखें या ड्राई आई सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँख में पर्याप्त आंसू पैदा नहीं करती, उसे गंभीर ड्राई सिंड्रोम कहते हैं। आँख की सतह पर आंसू की एक पर्याप्त और सुसंगत परत आपकी आँखों को स्वस्थ, आरामदायक और अच्छी तरह से रखने के लिए आवश्यक है। पलकों को बंद करने में समस्या, बैक्टीरियल संक्रमण। जो लोग लेंस लगाते हैं उनको आँख में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण नेत्र पट अल्सर हो सकता है। फंगल संक्रमण, आँख में फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर बाहरी चीज से लगने वाली आँख की चोट जैसे टहनी या शाखाओं, झाड़ी आदि से आँख में खरोच या छिल जाने के अलावा दूषित या ठीक से साफ किए बिना चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस इन्फेक्शन, आँख में वायरस इन्फेक्शन होना भी नेत्रपटल अल्सर का संभावित कारण हो सकता है। इसमें कुछ प्रकार के वायरस जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, कोड सोर्स पैदा करने वाला वायरस और वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स, सीगल्स पैदा करने वाला वायरस। आँख के सामने वाले गोल काले हिस्से को ऊतक की एक परत को नेत्रपटल, कॉर्निया या पुतली कहा जाता है। आँख से निकलने वाले आंसू कॉर्निया को बैक्टीरिया या वायरस से रक्षा करते हैं। कॉर्निया की मदद से ही आँख के अंदर रोशनी जा पाती है। कॉर्निया अल्सर एक घाव होता है जो कॉर्निया में बनता है यह आमतौर पर इन्फेक्शन के कारण ही होता है। आँख में मामूली चोट या खरोच लगने के कारण या लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के कारण भी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। दूषित या ठीक से साफ किए बिना चश्मा लगाने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लक्षण, आँख में खुजली, आँख में सूजन, आँख में दर्द, जलन, चुभन, आँख में अत्यधिक पानी गिरना, धुंधला दिखाई देना, कॉर्निया में सफ़ेद दाग दिखाई देना, पलकों में सूजन आना, आँख कीचड़ मवाद जैसा द्रव्य आना, रोशनी के प्रति अति संवेदनशील होना, आँख में तिनका पड़ने जैसा महसूस होना, आँख लाल या गुलाबी हो जाना। होम्योपैथिक उपचार, धूल का कण, तिनका, भूसा, चावल की भूसी, लकड़ी का बुरादा, चूरा, कांटों से होने वाले तकलीफ में सेलेसिया 30X। दूसरा, चोट से आंखें लाल व दर्दली हो तो रूटा 200। तीसरा, टहनी शाखाओं, झाड़ियों, सरपत की पत्तियों, नाखून से चीरा लगा हो तो अथवा कैसे भी चोट लगी हो तो आर्निका 200। चौथा, आँख में आग की चिंगारी के कण अथवा कैसे भी जला हो तो कैंसर रिस्क्यू
आँख में कीड़े के डंक मारने या काटने से दर्द, जलन अथवा चुभन हो तो एपिस मेल्फिका 30। आँख अधिक लाल हो व दर्द हो तो मेलाडोना 200। आँख से अत्यधिक जल स्राव हो तो अन्य दवाओं के साथ इफ्रेसिया 200 देंगे। आई लोशन, आर्निका, एपिसमेल, रूटा आदि बाहरी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।